दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार कहीं ना कहीं अपने पड़ाव की तरफ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से बुंदेलखंड बेल्ट की दो सीटों की जबरदस्त चर्चा हो रही है, वो भी कारण है कि वहां के जो प्रत्याशी हैं वो दमखम के साथ अपना चुनाव लड़ रहे हैं और जनता कार्यकर्ता सभी उस चुनाव में अपनी एक भागीदारी दे रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुना लोकसभा सीट पर। गुना लोकसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कभी कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे, कांग्रेस से गद्दारी करके बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी का वो चेहरा है। पहली बार सिंधिया परिवार से कोई व्यक्ति बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है। तो वहीं राव यागमन सिंह, जो कभी बीजेपी का चेहरा हुआ करते थे, अब वो कांग्रेस का चेहरा है और कांग्रेस के चेहरे पर वो अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और सिंधिया बना राव यागमन सिंह होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही परिवार की कहीं ना कहीं राजनीतिक रंजसबाजी देखने को पहले से लगातार मिलती चली आ रही थी और सिंधिया के खिलाफ ही कहीं ना कहीं राव यागमन सिंह के पिताजी और राव की राजनीति रही है। लेकिन सिंधिया जैसे ही बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और तमाम कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल करते हैं, ऐसे में वहां के जो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया है वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और सिंधिया को सीधे सीधे इस चुनाव में टक्कर दे रहे हैं। दूसरी बात करेंगे सागर लोकसभा सीट की। सागर लोकसभा सीट वो सीट जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का सांसद वहां से लगातार जीतता है, चेहरे बदल दिए जाते हैं, मुद्दों को पूरा ना कर पाने के कारण, जो जनता की डिमांड है उनको पूरा ना कर पाने के कारण बार बार सांसद का चेहरा बदल दिया जाता है और ऐसे में लता वानखेड़े को भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बनाया है। तो वहीं गुड्डू राजा को चेहरा बनाया है कांग्रेस ने सागर सीट पर। लता वानखेड़े के सामने कांग्रेस का चेहरा है गुड्डू राजा। कांग्रेस सागर सीट पर पहले कमजोर हुआ करती थी, लेकिन जिस प्रकार से गुड्डू राजा की कांग्रेस में वापसी होती है, उसके बाद गुड्डू राजा बुंदेलखंड के कहीं ना कहीं सह प्रभारी बनाए जाते हैं जन आक्रोश यात्रा के, और जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से नफ्स टटोलने में कहीं ना कहीं वो कामयाब रहते हैं और सागर को अपना सेंटर बना देते हैं। और सागर में जब से गुड्डू राजा की उपस्थिति कहीं ना कहीं वो पहुंची है या कहीं वहां पर वो लगातार अपनी कैंपेन कर रहे थे, लोगों के बीच में थे, लोगों को जोड़ा, आज जनसैलाब हम सबको देखने को मिला है। तो गुड्डू राजा के प्रयास से आज जनसैलाब देखने को मिला है और वहां के जो संगठन के लोग हैं वो भी पूरी मजबूती के साथ गुड्डू राजा के साथ खड़े हैं। और पहली बार सागर पर ऐसा हो रहा है कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बार बार वहां जाना पड़ रहा है। गुड्डू राजा की तरफ से जो चुनावी तैयारियां देखने को मिली हैं वो स्पष्ट तौर पर ये बताने के लिए काफी हैं कि सागर में गुड्डू राजा के नेतृत्व में या कहेंगे पूरे संगठन के नेतृत्व में गुड्डू राजा का जो सहयोग मिला, उसके साथ साथ जनता का जो सहयोग मिला, उसमें कांग्रेस काफी मजबूत नजर आ रही। तो बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस सेंध लगाने के लिए तैयार है और पूरे कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं कांग्रेस गुड्डू राजा के चेहरे के माध्यम से देने वाली है इस चुनाव में। तो ऐसे में दोनों ही सीटों पर हम लगातार चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि गुना लोकसभा सीट भी चर्चा का विषय है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कहेंगे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर के सबसे बड़े पैसे वाले व्यक्ति हैं, तो वहीं गुड्डू राजा मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े पैसे वाले उम्मीदवार के तौर पर हैं, या फिर कहें कहें कि कांग्रेस के पहले उम्मीदवार के तौर पर वो उन्हें हम देख सकते हैं धनबल के मामले में। तो ये चुनाव जो है, एक तरफ बुंदेलखंड का लाल गुड्डू राजा जो बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, बुंदेलखंड के मुद्दों की बात कर रहे हैं, सागर के मुद्दों की बात कर रहे हैं, और बुंदेला बुंदेलखंड के नहीं होंगे तो कहाँ के होंगे, इस प्रकार की तमाम बातें गुड्डू राजा कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बुंदेलखंड राज बनना चाहिए। तो सिंधिया अपने परिवार के तमाम संबंध गिना रहे हैं कि हमने इनके लिए किया, हमने इनके लिए किया, और तमाम जातिवादी नेता वो अपने हाथ प्रचार में बुला रहे हैं। तो सागर में जो चुनावी स्थिति है, चुनावी कैंपेन्स में लता वानखेड़े जैसी नेता भी अब ये मानने लगी हैं कि मोदी से अपेक्षा, मोदी के चेहरे पर तो चुनाव लड़ रहे, मोदी के अलावा भी लता वानखेड़े चुनावी मुद्दों पर चर्चा कर रही हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट में उन्होंने ये बात बोली भी है। तो लता वानखेड़े को स्पष्ट तौर पर नजर आ गया है कि गुड्डू राजा जो जनहित के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उन्हें भी उन मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, और जो अभी तक उनके यहाँ के सांसदों ने नहीं किया है ना कहा है वो अब उन्हें कहना पड़ रहा है। तो लता वानखेड़े समझ चुकी हैं कि मोदी लहर के नाम या मोदी के नाम पर मध्य प्रदेश की सागर सीट पर वो नहीं टिक पाएंगी, इसलिए अब उन्हें स्थानीय लोगों की जो मांग है उस पर भी चर्चा करनी पड़ रही है। और गुड्डू राजा ने जिस प्रकार से चुनावी तैयारियां की हैं और डोर टू डोर लोगों के बीच में पहुंचे हैं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, कहीं कारों के माध्यम से,
साइकिल के माध्यम से, रिक्शा के माध्यम से, मोटरसाइकिल के माध्यम से, तमाम जो भी साधन हो सकते हैं सभी साधनों के बीच में गुड्डू राजा पहुंचे हैं और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। पहली बार सागर में इस प्रकार की कांग्रेसियों की भीड़ देखने को मिल रही है और कांग्रेसी एकजुट है। और बीना ने जिस प्रकार से बीजेपी के विधायक को बदला है तो एक लहर बनी है और वो बीना की लहर अब सागर तक पहुंच चुकी है और सागर में भी परिवर्तन की आहट देखी जा रही है। जिस प्रकार से चुनावी एक माहौल बन रहा है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब गुना में अगर हम बात करते हैं तो गुना में सिंधिया को लगातार राव यादवेंद्र सिंह टक्कर दे रहे हैं और जिस प्रकार से केपी यादव जो चुनावी मुद्दा बने हैं और सिंधिया उसको काउंटर नहीं कर पाए हैं, खूब उन्होंने कहेंगे शिवराज सिंह चौहान को बुला लिया, खूब उन्होंने कहेंगे अमित शाह को बुला लिया, मोहन यादव तो हर दो चार दिन में वहां पहुंच ही रहे हैं। जिस प्रकार से जो वो कर सकते थे सब कुछ करने के बाद भी केपी यादव का जो मुद्दा उसको खत्म नहीं कर पाए हैं और केपी यादव के साथ जो एक कहें कि सिंधिया ने जो किया है, कहें कि एक महल की राजनीति ने जो एक जुस व्यक्ति ने आवाज उसको खत्म करने का काम किया, उसको इग्नोर करने का काम किया है, जिससे जो गुना क्षेत्र की जनता है वो नाराज हो, यादव बहुत सीट होने के कारण और ज्यादा मुसीबत सामने आ सकती है। गुना में, गुना लोकसभा सीट पर कांग्रेस कहीं से भी कमजोर नहीं है, आपको बता दें, चूंकि सिंधिया का पहले गढ़ रहा है और सिंधिया कांग्रेस ही रहे हैं, अभी अभी बीजेपी में कहीं ना कहीं जो खेल करके वो आए उसके बाद अब वो टिकट लेके सामने आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ही अंदर से मजबूत है। और राव यादवेंद्र सिंह के पास तो बीजेपी के भी बहुत सारे ऐसे समर्थक लोग हैं जो उनके पिताजी के साथ काम करते नजर आए, वो भी उनके साथ अंदर आने सपोर्ट कर रहे हैं। तो चुनाव जो है वो दोनों ही सीटों पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। सागर में भी चुनाव फंस रहा है भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार वहां से सांसद चुनती चली आई है, अभी तक उन्हें लगातार जीत मिली है। इस बार गुड्डू राजा के आने के बाद वहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। और ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं जो लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता इन सीटों पर जा रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से जनता में संदेश जा रहा है कि अब की दार गुड्डू राजा के आवे के बाद चुनाव फंस गए और बीजेपी की सांसें फूल रही या पसीना आ रहा उनके प्रत्याशी को, कि जो को आगो सामने जी की तो हमने कल्पना ही नहीं करी थी। और कांग्रेस ही पूरे दमखम के साथ अपने उन हकों के लिए लड़ रहे हैं जो जनता जनार्दन के बीच में उन्हें लगातार बहुत सारी चीजों को सामना उन्हें करना पड़ा और जनता जनार्दन के बीच में वो अपनी बात लगातार रखते भी रहे हैं। तो जो वहां पर जो गुंडागिर्दी सागर के अंदर चल रही थी, बड़े बड़े नेताओं ने जिस प्रकार से जो आवाज उठाया उसको दबाने का काम किया, उसके लेकर एक आक्रोश जनता के बीच में है और चुनाव परिणाम में क्या वो कन्वर्ट होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन सागर पे भी कांग्रेस कहीं से अब कमजोर नहीं है, क्योंकि कांटे की टक्कर सागर में भी देखने को मिल सकती है और कांटे की टक्कर जो है गुना में भी देखने को मिल सकती है। राव यादवेंद्र सिंह बना कहेंगे ज्योतिराज सिंधिया, तो गुड्डू राजा बना लता वानखेड़े। दोनों ही तरफ से जो चुनावी तैयारियां होनी चाहिए वो पूरी तरीके से जिस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है उस प्रकार से देखने को मिली है। और जहां जनता चुनाव लड़ने लगती है तो फिर बड़े से बड़े प्रत्याशियों को पसीना छूटने लगता है। कुछ ऐसा ही गुना में देखने को मिला है कि राव यादवेंद्र सिंह के संग कॉमन मैन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सिंधिया की वो चमक धमक, वो हाई प्रोफाइल चुनावी कैंपेन भी हम और आपको देखने को मिली है, जिसमें धनबल की एक अलग से ठनस देखने को मिलती है। राव यादवेंद्र सिंह डोर टू डोर लोगों के बीच में गांव-गांव पहुंचाने में कामयाब रहे। तो वहीं सागर में गुड्डू राजा भी कुछ उसी प्रकार के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने नजर आए हैं, लोगों के बीच में गांव-गांव डोर टू डोर जो गए हैं। और गुड्डू राजा को जो जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में बहुत माहिर हैं और कभी भी कोई भी काम ज्यादा लेट फेट नहीं करते हैं, अधिकांश समय पर ही काम करना पसंद करते हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से चुनावी रणनीति बनाई है उसमें वो सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शानदार चुनावी कैंपेन देखने को मिली है। लता वानखेड़े जो बीजेपी की तरफ से इस प्रकार का चुनावी माहौल है, जो तैयारियां की गई उसी के आगे पीछे वो चल रही हैं। अब देखते हैं कैसा वोटिंग परसेंटेज आता है, किस प्रकार की तैयारियां होती हैं और क्या लोग चर्चा करते हैं, इन पर भी अपन लोग चर्चा करेंगे। अभी तक की जो स्थिति वो हमने आपको बताने का प्रयास किया, क्या होने वाला है, सागर सीट पर कौन जीतने वाला है, लता वानखेड़े या गुड्डू राजा की मेहनत को लेकर आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से कांग्रेस वहां पहली बार इतनी मजबूत नजर आई है। तो वहीं गुना सीट पर क्या होने वाला है, क्या ज्योतिराज सिंधिया एक बार पुनः जनता जनार्दन के बीच में पहुंचने के बाद हारेंगे या फिर राव यादवेंद्र सिंह को एक बार जनता मौका देगी, कौन जीतने वाला है गुना लोकसभा सीट पर, सिंधिया या राव यादवेंद्र सिंह, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। नमस्कार।